चीनी, 1 एंड 2 टीस्पून मेरे पास है वनीला एसेंस, 1 एंड 3 कप मेरे पास है ड्राई मिल्क, और 1 एंड 2 टीस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इलायची का पाउडर। सबसे पहले अब हम इसे अंडे बाउल के अंदर ऐड करेंगे। इनको आप अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के साथ साथ आप इसके अंदर घी ऐड कर दें। घी के साथ ही आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करें, साथ ही आप चीनी भी ऐड करते हैं, इलायची पाउडर और ड्राई मिल्क। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। ये देखें कितना मजे का हुआ है। आप अगर चाहें तो इसमें आप वो घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमने फ्लेम ऑन कर ली है। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर इस तमाम मिक्सचर को ऐड कर दूंगी और अब हमने इसे पकाना है जब तक ये कुक ना हो जाए। अब हम इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अब थिक होना शुरू हो गया है। अब हम तकरीबन इसे 5 मिनट लगेंगे मजीद कुक होने में, जब तक ये सही गाढ़ा ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन थिक हो चुका है। अब मजीद इसको 2 से 3 मिनट हमें चाहिए पकाने के लिए। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मजीद इतनी देर पकाएंगे जब तक ये शुगर ब्राउन कलर में ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत ब्राउन हो गया है और बहुत मजे की इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसको मैं जरा ग्रीस कर लूंगी ऑयल के साथ। आप इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब इसके अंदर जो हमने पहले टेक्सचर बना के रखा था वो हम सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आप इस टेक्सचर को अच्छी तरीके से सेट कर लें। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम एक छुरी की मदद से इसके ऐसे कट लगाएंगे और अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। अब आप इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our. आप देख सकते हैं हमने इसे डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।